कौन आया? लगा के सीट को लेके जो टिकट देने का जो फैसला लिया तो उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस कारण से भी ये निर्णय आया है, लेकिन यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, खासकर इतने लोगों का अभी आप जो देख रहा है, ये भीम भुलाई वॉलंटियरली यहाँ आके जो अपना सेंटिमेंट जता रहा है, एस्पिरेशन जता रहा है, मैं इन्हीं कार्यकर्ताओं का, इन्हीं सपोर्टर का, इन्हें हजर का, मैं बाबू में नहीं कह पाऊंगा कि क्या कारण रहा होगा। चाहे 5 साल में जो जितना लद्दाख के इस यूनियन टेरिटोरी में जितना काम हुआ है, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ, ये सारे कार्यकर्ता, सारे लद्दाखवासी जानते हैं, 5 साल में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे हमारा टूर नहीं हुआ, ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे हमारा अनटच रहा, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन जिस रात पार्टी के लिए हम सब ने झूठ के काम नहीं किया। और आज भारतीय जनता पार्टी संघर्षों से खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी लद्दाख में, चाहे वो काउंसिल में बैठे हो या हमने करगिल काउंसिल में परफॉर्मेंस अच्छा दिया, ले में हमने काउंसिल रिटेन किया, और जितना आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ग्लोरी है, मैं समझता हूँ कि उसमें कम से कम मेरा भी एक योगदान जरूर रहा है। उसके साथ साथ कल मैंने पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण को ये भी पूछा कि कहाँ भूल चूक रह गए, क्या पार्टी के आइडियोलॉजी से बाहर गया, या संसद में जो है परफॉर्मेंस की कमी रहा, या कहीं घोटाला करने का कोई इल्ज़ाम लगा, या किसी के साथ मिसबिहेव होने का हुआ, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा है। ये केवल मेरे बात नहीं है, जितने भी यहाँ समर्थक आए हैं सभी लोगों का यही कहना है कि ये ऐसा डिसीजन एक्सपेक्टेड नहीं था। हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज भी नहीं है, क्योंकि पार्टी का ही हूँ हम और पार्टी के आइडियोलॉजी से ही हम चलते हैं। और आज पार्टी ने जिस कैंडिडेट को ट्रासी गैल्सन साहब को नॉमिनेट किया उनको हम बधाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ इतने वर्कर जो है पार्टी के इस निर्णय से खुश नहीं होने के कारण से क्या ये सीट हम भारतीय जनता पार्टी रिटेन कर पाएंगे, एक बहुत बड़ी सवाल खड़ा हो जाता है। और आज अचानक आना हुआ इस दौर पे बहुत कम समय में, मान लगभग 3-4 घंटे में जो यहाँ लोगों को सूचना मिला तब जाके वॉलंटियरली इतने लोग जमा हुए हैं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन पे डांट रहे थे जंस्कार से, कारगिल से, चंगतांग से, दूर दराज इलाकों से कि आप 2 दिन बाद क्यों नहीं आते, हमको 2 दिन पहले सूचना क्यों नहीं दिया। बहुत सारे लोग जो है अभी भी भावुक है, सेंटिमेंटल है, आजकल शायद सभी लोग आएंगे यहाँ मिलेंगे, और मिलने के बाद सभी के साथ चर्चा करके विचार विमर्श करके फिर हम अपना फैसला देंगे। सर इम्पोर्टेंट सवाल, जब ट्रासी गैल्सन साहब के लिए मैंडेट मांगने लोगों के पास जाएंगे तो आप भी साथ में चलोगे सर? मैंडेट मांगने मतलब सॉरी कैंपेन के लिए जाएगा तो नहीं, वही मैंने कर रहा, मैं अभी ले पहुंचा हूं सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी समर्थकों के साथ, वेल विशारों के साथ, और उनके साथ विचार करके, खासकर हमारे लद्दाख के आवाम क्या चाहते हैं, उस एस्पिरेशन को, उस सेंटिमेंट को आगे रख के फिर सभी लोग मिल के हम कलेक्टिव डिसीजन लेंगे, फिर वो आपको बता देंगे। सर एक तरफ जो सीनियर लीडर्स यहाँ पे आज मौजूद नहीं है आपके रिसेप्शन में, कहीं ना कहीं बहुत पहले से चल रहा था कि बीजेपी में कोई रिफ्ट चल रहा है। देखिए मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ जो है किसी ने ऑर्गेनाइज करके बुलाया नहीं है, ना मैंने बुलाया ना किसी ने ऑर्गेनाइज किया, ये सारा जो है यहाँ पे वॉलंटियरली जमा हुआ है। अब कौन लोगों को खबर मिला नहीं मिला, कौन लोग आना चाहे नहीं चाहे, इस पर मेरा कुछ कहना नहीं है। आप एक इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट नहीं, मैंने बता दिया, देखो ऐसा भी चर्चा चल रहा सर, लोगों का एस्पिरेशन सेंटीमेंट है वो सारा आप यहाँ भी देख रहा है, लेकिन हमारे ओर से अभी कोई इस तरह से बात करना बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद 2-3-4-5 दिन लगा के लोगों के साथ विचार विमर्श करना होगा, सभी के साथ सलाह मशवरा करना होगा, वो करने के बाद कंसेंसस क्या बनता है, यहाँ के आवाम हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरह 5 साल हमने मेंबर पार्लियामेंट के नाते, मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते लोगों का जो खिदमत किया, सेवा किया, पार्लियामेंट को हिला डालने का जो भाषण बार बार हुआ,
उसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंसी के टूर में एक गांव पीछे नहीं छोड़ा, ले हो, करगिल हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सभी लोगों को साथ लेके चलने का कोशिश किया। बहुत सारे विकास का कार्य हमने यहाँ बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी स्कीम लगाया वो सारा यहाँ पे दिशा कमेटी मीटिंग के माध्यम से पूरा लोगों तक पहुँचाने का काम किया। संगठन को मजबूत करने को, खड़ा करने को लेके, चाहे वो ले काउंसिल हो, करगिल काउंसिल हो, हर इलेक्शन में हमने योगदान दिया। हालांकि ले काउंसिल इलेक्शन तो आप मीडिया वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कितना टाइट सिचुएशन था, बायकॉट था यहाँ पे, तो उस सूरत में भी सभी लोग मिल के हमने लीड करके 12 दिन में 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी टूर करके आज यहाँ पे काउंसिल बीजेपी का मेजोरिटी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बीजेपी का है, ऑनरेबल सीसी साहब बीजेपी का बैठता है। तो इन सब में जो है मुझे नहीं लगता है कि मेरा इसमें कोई शिकायत रहा हो कि मैंने इसमें सहयोग नहीं दिया। चाहे भारतीय जनता पार्टी मंडल से लेके, बूथ से लेके स्टेट प्रेसिडेंट तक खड़ा करने में हमारे योगदान में मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं शिकायत रहा हो। लेकिन इतने करने के बावजूद भी इस तरह से अनएक्सपेक्टेड डिसीजन आना, मैं तो पार्टी का कार्य करता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों का एस्पिरेशन जुड़े हैं, सेंटिमेंट जुड़े हैं, लोग इसको स्वीकार करने के लिए अभी तो तैयार नहीं हो रहा है। अब देखते हैं इन्हीं लोगों के साथ सलाह मशवरा करके लद्दाख के हित के लिए क्या बनता है, वो सारा हम निर्णय लेके 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा।